इमोशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ए मेडिकल एंड सर्जिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द वायबिलिटी टाइम ऑफ द फीटस। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा प्रोसीजर मेडिकली या सर्जिकली कुछ भी हो जिसके इससे बिना कॉम्प्लिकेशन के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है, दिस बिफोर वायबिलिटी ऑफ फीटस के, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम इसमें MTP देखते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो मेडिकल MTP एक्ट है वो कब आया, 1971 में आया, और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, 1972 में किया गया। और इसके अंतर्गत जो MTPs हैं, जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन हैं, वो अप टू 20 वीक ऑफ जेस्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके इंडिकेशन क्या क्या होते हैं MTPs के, कुछ इंडिकेशन भी इसके बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट है थेरेप्यूटिक इंडिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने में, जब वुमेन की हेल्थ में कोई उसकी डेंजर, उसकी हेल्थ डेंजर में हो सकती है, खतरे में हो सकती है उसकी, ठीक है, उसकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ दोनों पे इफ़ेक्ट हो सकता है उस प्रेगनेंसी की वजह से, ठीक है। तो उसके लिए इसकी MTP की जाती है, जैसे कि पेशेंट मेंटली इल हो, ठीक है, और या फिर उसको सीवियर हार्ट डिजीज़ हो, या फिर कोई मेलिग्नेंसी हो सर्विक्स की या फिर ब्रेस्ट की, तो इसमें तो फिर इसको थेरेप्यूटिक इंडिकेशन बोलते हैं। सेकंड इज यूजेनिक। यूजेनिक में क्या होता है कि जब जो चाइल्ड बोर्न होने वाला है उसकी, उसमें फिजिकल या मेंटली कोई एबनॉर्मलिटी हो, तो उसमें किस वजह से फिजिकल मेंटली एबनॉर्मलिटी होती है कि अगर वुमेन है जो मदर है उसके जो उसमें कोई उसकी प्रेगनेंसी टाइम में उसको इन्फेक्शन हुआ हो, वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर फर्स्ट 3 मंथ में उसको इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे रूबेला का इन्फेक्शन है, ठीक है, या फिर चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हो सकता है, टोक्सो प्लाज्मोसिस हो सकता है, और कोई भी अदर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें मोस्ट कॉमनली जो रूबेला का इन्फेक्शन है उसकी वजह से मेनली फीटस में एबनॉर्मलिटी देखी जाती है। तो फीटस में क्या क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है, जैसे कि पेशेंट बच्चे में कार्डियक एबनॉर्मलिटी हो सकती है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी हो सकता है बच्चे को, या फिर बच्चा मेंटली रिटार्डेशन भी हो सकता है, ठीक है। और अब देखते हैं इसका दूसरा कोज क्या हो सकता है फीटल में एबनॉर्मलिटी का, कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उस वो कोई ड्रग का यूज़ कर रही है, उसको किसी प्रकार का ट्रीटमेंट चल रहा है किसी ड्रग से, जैसे कि थैलिडामाइड है, या फिर कोर्टिजोन है, या फिर हेलुजिनोसन जो ड्रग होती हैं उन वो ले रही है पेशेंट, या फिर कोई एंटी डिप्रेसेंट का यूज कर रही है पेशेंट वुमेन, तो उस फीटस उसके फीटस में ये एबनॉर्मलिटी मेनली देखी जा सकती है, या फिर मदर का ट्रीटमेंट हो रहा हो एक्सरे से या फिर रेडियो आइसोटोप से, तो इस वजह से भी बच्चे में एबनॉर्मलिटी हो सकती है, ठीक है। अब इस देखते हैं थर्ड इंडिकेशन। थर्ड इंडिकेशन क्या होता है, जब थर्ड इंडिकेशन है ह्यूमैनिटेरियम, जब व्हेन प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय रेप, रेप की वजह से जब प्रेगनेंसी हो तो वो ह्यूमैनिटेरियम में आएगी। दोनों के फेलियर की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। और सेकंड है कि अगर वुमेन का फर्स्ट रूल क्या है कि इसमें
ओनली ए क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड, ठीक है, इसमें सिर्फ एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही एमटीबी कर सकता है, जो जिसने इन हाउस सर्जरी में ट्रेनिंग की हो 6 मंथ के लिए, ठीक है, या फिर उसने कम से कम 25 केसेस एमटीपीज के कंडक्ट या असिस्ट करवाए हों किसी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में, ठीक है। सेकंड है कि ये इसमें इसको सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल जो रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट जो होती हैं उनमें ही इनको कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि ये एक लीगल इशू है इसीलिए। और अगर नॉन गवर्नमेंटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर एमटीपी कंडक्ट की जाती है तो उसको लाइसेंस, वो लाइसेंस लेती है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सीएमएचओ से। देन सेकेंड है कंसेंट, जो वुमेन का कंसेंट है वो सिर्फ वुमेन से भी कंसेंट को लेके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर वुमेन की एज 18 से कम है या फिर मेंटली इल है तो उस कंडीशन में उसके गार्जियंस के भी कंसेंट लिए जाते हैं, ठीक है, हस्बैंड के कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होते। अगर हस्बैंड अगर चाहता है एमटीपी के लिए रिक्वेस्ट करता है और अगर वुमेन को एमटीपी की विलिंग नहीं है, वो नहीं चाहती एमटीपी करवाना, तो उस केस में एमटीपी नहीं करवाई। सीक्रेट रखा जाता है उसको किसी अदर पर्सन के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। और जो लेस देन 12 वीक ऑफ जेस्टेशन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, अगर वो किसी की जाए या फिर किसी ऐसे हॉस्पिटल में की जाए जो अनरिकॉग्नाइज हो, तो ऐसे उनको पनिशमेंट भी मिल सकती है। अब देखते हैं कि मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टैबलेट म्यूजिक सिस्टम एंड टैबलेट म्यूजो प्रोस्टोन, ये सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम दी जाती है, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम से मैनेजमेंट किया जाता है। म्यूजिक सिस्टम क्या क्या काम होता है, ये प्रोजेस्टेरोन या एंटागोनिस्ट होती है। 200 mg ओरली सिंगल टैबलेट दी जाती है। एंड सेकेंड पे मिफेप्रिस्टोन या फिर मिजोप्रोस्टोन, मिफेप्रिस्टोन प्लस मिजोप्रोस्टोन दी जाती है, ठीक है। इसमें मिफेप्रिस्टोन सिंगल टैबलेट एंड मिजोप्रोस्टोन 800 माइक्रोग्राम दी जाती है, जो कि ओरली या सब लिंगुअल या फिर वेजाइनली दी जा सकती है। और मिजोप्रोस्टोन जो होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का सब्सटेंस होती है, जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट करने के बाद में 95% केसेस में कंप्लीट अबॉर्शन हो जाता है, और 2-3% केस में इनकम्प्लीट अबॉर्शन भी रह जाता है, और 1-2% केसेस में कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक है। तो उसके बाद में मीथोट्रेक्सेट प्लस मीजोप्रोस्टोल टैबलेट दी जाती है, ठीक है। जो ये मीथोट्रेक्सेट टैबलेट होती है ये सेल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है, ठीक है। उसके बाद में टोमोक्सिफेन प्लस मिजोप्रोस्टोल भी दी जाती है, जो टोमोक्सिफेन है वो सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। अब देखते हैं मिफेप्रिस्टोल एंड मिजोप्रोस्टोल की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। इसकी वजह से इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, हेमरेज या फिर यूटेराइन रप्चर भी हो सकता है, ठीक है। तो और जो मिफेप्रिस्टोल टेबलेट है वो ऐसी वुमेन में नहीं दी जाती है जो मोर देन 35 ईयर की एज हो या फिर जो हैवी
स्मोकर हो या फिर जो कोर्टिकोस्टेरॉइड को यूज़ करती हो, ऐसी वुमेन में मिफेप्रिस्टोन टैबलेट नहीं दी जाती है, ठीक है। और इसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट के बाद में अगर जेस्टेशनल सेक या फिर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन उसमें या फिर कंटिन्यू वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो सर्जिकल इवैक्यूएशन की नीड होती है। तो देखते हैं सर्जिकल मेथड क्या क्या होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में। सर्जिकल मेथड में फर्स्ट मेथड है मेंस्ट्रुअल एस्पिरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो मिस्ड पीरियड है उसके विद इन 14 डेज के अंदर एंडोमेट्रियम कैविटी में से एस्पिरेशन किया जाता है, जिसके अंदर क्या कैसे करते हैं इसको कि इसमें वेजाइना में पोस्टीरियर वाले वेजाइना में स्पेक्युलम से उसको डायलेट किया जाता है, देन एलिस सर्विक्स को फिक्स किया जाता है, देन सर्विक्स को डायलेट किया जाता है थ्रू डायलेटर। जैसे ये हैगार डायलेटर है, इसके थ्रू भी हम सर्विक्स को 4 to 5 mm साइज का डायलेटर लेके हम सर्विक्स को डायलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद में 5 to 6 mm का सक्शन कैनुला लेके जिसको कारमांस कैनुला बोलते हैं वो, और उसको 50 mm सिरिंज के साथ में जो सक्शन सिरिंज होती है उसके साथ में उसको अटैच किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में कैनुला को रोटेट किया जाता है, ठीक है, एकदम जेंटल स्ट्रोक टिश्यू या फिर जो प्रोडक्ट आया है उसको एग्जामिन किया जाता है कि वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। देन सेकंड मेथड होता है वैक्यूम एस्पिरेशन या फिर मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। इसमें क्या करते हैं कि जो जिसमें इसका यूज कब करते हैं कि अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसको ओपीडी बेसिस पर भी इस प्रोसीजर को किया जा सकता है। इसमें भी वही जो प्लास्टिक जो वो कैनुला होता है जिसको कारमांस कैनुला बोलते हैं उसका यूज करते हैं और सिरिंज का यूज करते हैं, ठीक है। और ये मोर क्यूकर मेथड होता है, ये बहुत जल्दी इसमें इसके द्वारा एमटीपी की जा सकती है और ये मोर इफेक्टिव भी होता है और लेस ट्रोमेटिक भी ये होता है। इसमें जो वैक्यूम के लिए जो प्रेशर जो नेगेटिव प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है वो 660 mg ऑफ Hg के आसपास होता है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो देखते हैं अपन मेथड वो है सक्शन इवैक्यूएशन और क्यूरेटेज। इसके थ्रू हम कैनुला को सक्शन अपेटस में अटैच करके यूटेराइन कैविटी में सक्शन करवाते हैं। इसके क्या क्या इंडिकेशन है, किस किस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं कि एमटीपी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम इसको यूज कर सकते हैं या फिर इनएविटेबल अबॉर्शन में हम इसको यूज करते हैं या फिर रिसेंट इनकम्प्लीट अबॉर्शन में भी हम इसको यूज करते हैं। देन इसके स्टेप्स क्या क्या हैं इस प्रोसीजर को करने के लिए, तो स्टेप्स हम सबसे पहले पोस्ट वेजाइनल स्पेक्युलम इंट्रोड्यूस एंड उसके बाद में एंटीरियर लिप्स ऑफ द सर्विक्स इज ग्रास्प्ड बाय एलिस फोर्सेप्स, ठीक है। उसके बाद में करते हैं सर्विक्स को डायलेट थ्रू डायलेटर एंड देन कैनुला को इंसर्ट किया जाता है एंड उसको कैनुला को इंसर्ट करके सक्शन अपेरेटस के साथ उसको ऐड किया जाता है एंड नेगेटिव प्रेशर इसमें 400 to 600 mg रखा जाता है। कैनुला को मूव किया जाता है डाउनवर्ड एंड रोटेशनल किया जाता है यूटेराइन कैविटी में। देन उसके बाद में जो जहाँ पे वो सक्शन या फिर वो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कलेक्ट हुआ है उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, उसमें प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पूरा आया है कि नहीं। उसके बाद में अगर कैनुला को रिमूव करना हो तो सबसे पहले हम सक्शन को रिमूव करेंगे। अगर सक्शन होते हुए भी अगर कैनुला को हम रिमूव करते हैं तो उसकी वजह से सर्विक्स में या फिर इंटरनल ओस में इंजरी के चांसेस रहते हैं, ठीक है।
और इसके बाद में अगर कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रह जाता है तो उसको यूटेराइन क्यूरेटेज की हेल्प से क्यूरेटेज किया जाता है, क्यूरेट किया जाता है यूटेराइन कैविटी को, एंड देन वापस सक्शनिंग की जाती है। अब इसके एडवांटेज देखते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ये ओपीडी बेसिस पे भी किया जा सकता है और इसके लिए जनरल एनेस्थीसिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें जो पैरा सर्वाइकल ब्लॉकेज एनेस्थीसिया देके भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ब्लड लॉस भी मिनिमम होता है और यूटेराइन परफोरेशन के चांसेस भी कम होते हैं इसमें। और अब देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है एंड सक्शन अपेटस का यूज होता है और ये मोर देन 12 वीक ऑफ जेस्टेशन में इसको यूज नहीं किया जा सकता। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के फोर जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसका फोर्थ मेथड है डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन टू टाइप से किया जाता है, रैपिड एंड स्लो। रैपिड में क्या करते हैं कि जो ये रैपिड में इसको भी आउट पे ओपीडी बेसिस पे भी कर सकते हैं एंड इसको डाइजेपाम या सेडेटिव्स देके भी इसको कर सकते हैं या फिर पैरा सर्वाइकल ब्लॉकेज एनेस्थीसिया देके इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसको इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को एक्सपेल आउट करने के लिए ओवम फोर्सेप्स का यूज किया जाता है। ओवम फोर्सेप्स से हम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को एस्पिरेट या फिर विड्रॉ करते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं कि इसमें पेशेंट जल्दी घर जा सकता है और सेडेटिव्स भी सेडेटिव्स के का इफेक्ट ख़त्म होने के बाद में, ठीक है। और इसमें सेप्सिस के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अब इसके देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं इसमें, कि पेशेंट को एक्सेसिव हेमरेज हो सकता है इसमें, ठीक है, और शॉक की कंडीशन भी हो सकती है और सर्वाइकल इंजरी भी हो सकती है इसमें पेशेंट को। एंड इसको जो यूट्रस है वो 6 to 8 weeks ऑफ जेस्टेशन के जो मोर देन 6 to 8 weeks ऑफ जेस्टेशन के बाद में इसको परफॉर्म हम नहीं कर सकते, ठीक है। और इसकी वजह से पेल्विक इन्फ्लामेशन या फिर इनफर्टिलिटी के चांसेस भी हो सकते हैं। अब जो स्लो मेथड है इसका वो कैसे करते हैं, इसमें जो सर्विक्स का डायलिटेशन है वो स्लोली करते हैं। एक लेमिनेरियो टेंट होता है जो हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर्स के रूप में होता है, ठीक है। ये जब ये एक रोड या स्टिक की तरह होता है जो स्टेराइल होता है, ठीक है। इसको जब यूटेराइन सर्विक्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है, सर्विक्स में इसको फिक्स कर दिया जाता है तो ये मॉइस्चर की वजह से स्वेल हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है और इसके बाद में सर्विक्स का डायलेटेशन हो जाता है। और इसके लिए कम से कम 12 आवर्स का टाइम इसमें लगता है। देन आफ्टर 12 आवर्स इवैक्यूएशन किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं कि इसमें सर्वाइकल इंजरी के चांसेस मिनिमम होते हैं एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। इसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड रहना पड़ता है एटलीस्ट 1 डे और इसमें सेप्सिस के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर का मेडिकल मैनेजमेंट। अब देखते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेनली जो ड्रग्स यूज करते हैं वो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन या ऑक्सीटोसिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूज कैसे करेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होती है वो मच इफेक्टिव होती है इन सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के लिए। तो इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स कौन कौन से यूज करते हैं, फर्स्ट है एमिजोप्रोस्टोल जो प्रोस्टाग्लैंडिन का, ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग्स होते हैं जो मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले है मिजोप्रोस्टोल, ये 200 से 800 माइक्रोग्राम दिया जाता है थ्रू ओरली सबलिंगुअल या फिर वेजाइनली, ठीक है। 3 to 4 आवर्ली इसको रिपीट करते हैं डोज को।
देन सेकंड है गेमीप्रोस्ट, ये 1 mg वेजाइनली पेशरी के रूप में इसको यूज़ करते हैं। देन है डाइनोप्रोस्ट, इसको भी सपोजिटरी के रूप में यूज़ किया जाता है, ये 20 mg। देन है कार्बोप्रोस्ट, ये है 250 माइक्रोग्राम की होती है, इसको IM यूज़ करते हैं। देन सेकंड है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन में हम क्या यूज़ करते हैं, 30 यूनिट इन 500 ml डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन में हम ऑक्सीटोसिन को इन्फ्यूज़ करते हैं। उसके बाद में सर्जिकल मेथड, सेकंड ट्राइमेस्टर का सर्जिकल मेथड क्या करते हैं, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, लेकिन ये बहुत लेस कॉमनली करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, लेकिन इसको 13 टू 15 वीक पे भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका यूज़ ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको 13 टू 15 वीक के बीच में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें वही ओवम फोर्सेप का यूज़ होता है, ओवम फोर्सेप से प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को रिमूव किया जाता है। सेकंड होता है इसमें, सेकंड मेथड है सर्जिकल का इंट्रा यूटेराइन इंस्टीलेशन ऑफ हाइपर ओस्मोटिक सोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो हाइपर ओस्मोटिक सोल्यूशन होता है वो इंट्रा एमनियोटिक और एक्स्ट्रा एमनियोटिक में इंस्टीलेट किया जाता है। इंट्रा एमनियोटिक में क्या क्या इंस्टीलेट करते हैं, हाइपर ओस्मोटिक यूरिया एंड सेलाइन थ्रू द एब्डोमिनल रूट, एब्डोमिनल रूट से इंट्रा एमनियोटिक में ये इंस्टीलेट किया जाता है। एंड सेकेंड एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टीलेशन में 1% इथाक्रिडिन लैक्टेट का यूज़ किया जाता है, जो ट्रांस सर्वाइकली इसको करते हैं थ्रू फोलिस कैथेटर। तो इथाक्रिडिन लैक्टेट का क्या काम होता है, ये कैसे काम करता है MTP में, ये मेम्ब्रेन्स का डिटैचमेंट करवा देता है, जिसकी वजह से यूट्रस का स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। एंड द सबसे लास्ट में जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है स्टेरोटोमी। स्टेरोटोमी को थ्रू सर्जिकली हम इसको करते हैं थ्रू एब्डोमिनल रूट, और ये सबसे लास्ट में परफॉर्म किया जाता है। इसमें सर्जिकली यूट्रस पे स्कार इंसिजन लगा के देन उसके बाद में जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो रिमूव किए जाते हैं। थैंक यू।